ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस बॉबी डार्लिंग की बायोपिक में क्या आयुष्मान खुराना निभाएंगे उनका रोल। जी हाँ, आयुष्मान खुराना आजकल अपनी हालिया रिलीज पर चंडीगढ़ तेरे आशिकी की वजह से चर्चा में है। इस फिल्म का विषय बहुत ही अलग और बोल्ड है, जिस पर बहुत ही कम फिल्में बनी है। LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर बनी इस फिल्म के रिलीज के बाद से ही आयुष्मान की बहुत तारीफ हो रही है। आयुष्मान हमेशा अपने किरदार में नया प्रयोग करते नजर आते हैं। इसी वजह से भारत की पहली ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस बॉबी डार्लिंग चाहती है कि उनकी बायोपिक फिल्म में उनका किरदार आयुष्मान खुराना ही निभाए। जी हाँ, बॉबी डार्लिंग का असली नाम पंकज शर्मा है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम पाखी शर्मा रख लिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्हें बॉबी डार्लिंग के नाम से ही सब जानते हैं। बॉबी के बारे में एक इंस्टाग्राम पोस्ट लिखते हुए वीरल भयानी ने ये सारी बातें लिखी है। ये कहा गया है कि वीरल भयानी की बॉबी से बातचीत हुई, जिस दौरान उन्होंने अपने स्ट्रगल की कहानी कौन से साझा किया और कहा कि उनकी बायोपिक के लिए आयुष्मान परफेक्ट होंगे। बॉबी ने कहा कि वे बिल्कुल ठीक है और कल की तरह वे बिल्कुल काम के लिए तैयार है। इस पोस्ट के अनुसार पिछले 7 सालों से बॉबी अपनी सेहत की वजह से फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गई थी। इस दौरान वह लकवा ग्रस्त भी हुई थी। उनकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, वह इस दौरान कोई काम नहीं कर पाई। अब वो काम पर वापस जाना चाहती है। उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से वापसी के लिए तैयार है। बॉबी की कहानी बहुत दिलचस्प है। उन्होंने अपना लिंग परिवर्तन कराकर खुद को पुरुष से महिला बना लिया। उन्होंने एक पुरुष से शादी भी की, हालांकि उन्हें शादी मुश्किलों में है। वह महिलाओं के कानून के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रही है। पहली ट्रांसजेंडर कलाकार बॉबी डार्लिंग चाहती है कि कोई अच्छा प्रोडक्शन हाउस उनकी निजी जिंदगी पर एक फिल्म बनाए, बॉलीवुड में उनके संघर्षों को पर्दे पर दिखाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वह खुश होंगी अगर उनका किरदार आयुष्मान खुराना निभाए, तो उनके किरदार के साथ पूरी तरह से न्याय कर सकते हैं।